नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आपका द डेली रोड में स्वागत करता हूं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने अपने पोर्टफोलियो को विस्तार दिया है और देश में दो बड़ी गाड़ियों को लॉन्च किया है। दरअसल कंपनी ने भारत में N2832 और N3532 टीपर को लॉन्च किया है। इनके साथ कंपनी ने डीप माइनिंग सेक्टर में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और ये पिछले कैप्टन सीरीज वाले संबंधित गाड़ियों की जगह ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही टीपर 320 CSP की भारी भरकम पावर के साथ आते हैं और इनके साथ ज्यादा सेफ्टी, शानदार माइलेज और बेहतरीन फीचर्स का दावा है। N2832 को जहां 28 टन की पेलोड क्षमता के साथ पेश किया गया है, वहीं N3532 टीपर 35 टन का भार वहन कर सकता है। इन दोनों गाड़ियों में 320 CSP वाले आइजन 6 तकनीक वाला 8.2 लीटर A6 सीरीज इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 1200 Nm का टॉर्क विकसित करता है। इन्हें ब्रांड के नए AVTR मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जिनका इस्तेमाल माइनिंग के साथ साथ सड़क निर्माण और बोल्डर खदानों के लिए भी किया जा सकता है। इन दोनों गाड़ियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए हब रिडक्शन रियर एक्सल लगाया गया है, जिसमें बेहतर ऑफ रोडिंग क्षमता, उच्च ग्रेडिबिलिटी और शार्प टर्न अराउंड के लिए 7:1 का डीप रेशियो है। कंपनी इसके साथ लोअर मेंटेनेंस का भी दावा करती है और कहा है कि इससे व्यापारियों की उत्पादकता बढ़ती है। अशोक लीलैंड के नए A6 इंजन में इंजन ब्रेक फीचर है, जो लोड के साथ डाउनहिल ऑपरेशन में बेहतर पावर सुनिश्चित करता है। एंटी रोल बार कॉर्नरिंग के दौरान बेहतर स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। इनका 10 बार ब्रेक सिस्टम ज्यादा दबाव वाले परिचालन की स्थिति में भी शक्तिशाली और सुनिश्चित स्टॉप ब्रेकिंग देने में मदद करता है। इन दोनों गाड़ियों को अशोक लीलैंड के एन टाइप केबिन के साथ पेश किया गया है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और वैश्विक मानकों के अनुरूप है। इन्हें AIS 092 मानकों के अनुसार क्रैश टेस्ट की मंजूरी दी गई है और इनका एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेहतर आराम सुनिश्चित करता है। अब सबसे अंत में इनकी शोरूम कीमत की बात करें तो अभी कंपनी की ओर से कोई एक्यूरेट नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन इनकी रेंज 58 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। तो यह है, बाकी आप द डेली रोड के साथ बने रहें, हम आगे भी ऐसी स्टोरी आपके लिए पेश करते रहेंगे। धन्यवाद।